ब्राह्मण कुल के अंदर जन्म लेना बहुत बड़े ही सौभाग्य की बात होती है, और ऐसे में कुछ लोग हमारी गौ माता का मांस काटते हैं, उसकी गाय की हत्या करते हैं। ऐसे लोगों से संदेश देना चाहते हैं कि गाय हमारी माता है, यदि इसको आपने छूने मात्र की भी कोशिश करी तो हम सनातन धर्म के लोग गाय माता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो गाय को चारा खिलाने के ऊपर हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। यह कहानी है राजा दिलीप की। जी हाँ गाइस, राजा दिलीप बहुत ही बड़े राजा हुआ करते थे। उनके पास सब कुछ था लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी, और उनका विशाल, इतना विशाल उनका राज्य था कि उनका वर्चस्व जो है वो दुनिया भर मानती थी। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि उनके कोई संतान नहीं थी, और ऐसे संतान प्राप्ति के लिए उन्हें किसी ने बताया कि आप वशिष्ठ ऋषि के पास में जाइए। और जब वशिष्ठ ऋषि के पास में वो गए तो वशिष्ठ ऋषि ने उनसे पूछा कि राजन, आप इस उम्र के अंदर संन्यास लेने के लिए मेरे पास में आए हैं। तो वशिष्ठ ऋषि ने से जब बारम्बार पूछने के बाद दिलीप राजा ने बताया कि मेरे महाराज को संतान प्राप्त हुई, मेरे को, मैं पूजा भी करता हूँ, मैं पाठ भी करता हूँ, मैं धर्म भी करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो उसका मुझे बताइए कि मेरे से क्या त्रुटि हुई है। तब पुराने ऋषियों को एक्चुअली बहुत सारी ऐसी विद्याएं थी उनके पास में कि वो किसी के भी बारे में सोचते थे तो उनको उनके बारे में पूरी डिटेल पता लग जाती थी। उनसे जब डिटेल पता करी तब उन्होंने उनको पता लगा कि जब वो पुराने जन्म के अंदर उनका एक गाय और उसका बछड़ा भूखा था, जब गाय और बछड़ा भूखा था तो उस वक्त राजा बिना उनको ध्यान दिए आगे चला गया। इस पे गाय माता ने उनको श्राप दे दिया, और वो गाय जो थी वो कामधेनु गाय थी। कामधेनु गाय को आपको पता ही है कि उस गाय से आप कुछ भी चीज़ मांगते हैं तो वो आपका वो मांग जो है वो पूरी करती है। तो विश्वामित्र ने कहा कि राजन, आपसे एक त्रुटि हुई थी, जो आपने गाय भूखी थी उसका वो आपसे खाने की मांग कर रही थी, आपने उनको खाना नहीं खिलाया। ऐसी स्थिति में गाय
आपको श्राप दिया था उस गाय ने, लेकिन आप चिंता ना करें, इसी आश्रम के अंदर एक ऐसी गाय है जो कि कामधेनु गाय की ही वंशज है, उस गाय की आप सेवा कीजिए तो आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, संतान की प्राप्ति होगी। तो गाइस, ऐसे में राजा और रानी ने मिलकर करी उनकी सेवा। अब सेवा जब करी तो उसके बाद में उनको संतान की प्राप्ति हुई। तो शीर्षक ये है कि गाय हमारी माता होती है और गाय को भोजन कराना बड़े ही सौभाग्य की बात होती है। तो गाइस, आज है मेरा जन्मदिन और जन्मदिन के उपलक्ष में भूखी गायों को भोजन कराना मेरे को बड़ा मज़ा आता है। मेरे को उसमें मज़ा नहीं आता कि गाय के पास आप जा रहे हैं या किसी बड़े होटल में जा रहे हैं या किसी की जगह पब डिस्को में जा रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं। उनसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब आप गाय को या किसी अनाथ आश्रम में जाके अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पे देखिए, नंदी भी यहाँ पे है, इतने सुंदर सुंदर नंदी, देखिए ऐसे इनको छूना और इनको प्यार करने का सौभाग्य यदि आपको भी प्राप्त होता है तो आप इस चीज़ से चूकिएगा मत। ये देखिए गाइस, कितनी खूबसूरत गाय हैं, एक के बाद कतारबद्ध होकर भोजन के इंतज़ार में ये गायें। ये देखिए गाइस, ऐसी गायों को हाथ लगाने मात्र से ही बहुत सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। गाय में जिसमें 34 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है, ऐसे में इन गायों को भोजन कराना। और यहाँ पर गाइस, ये है गौशाला दुर्गापुरा की, और यहाँ पर गायों के साथ में देखिए ये नन्हे मुन्ने पक्षी भी जो है वो इन गायों के फ्रेंड्स हैं, और ये गायों से जो है वो मिलने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं, निर्भीक होकर ये गाय के पास में घूमते रहते हैं। ये देखिए गाइस, कितने खूबसूरत पक्षी यहाँ पर हैं। तो एक बार फिर से हम आपको पूरा लुक देते हैं इस प्यारी सी गौशाला का। ये देखिए गाइस, इतनी खूबसूरत गायों के साथ में, इतनी खूबसूरत नंदियों के साथ में। ये देखिए गाइस, ये गाय के कितने बड़े बड़े सींग हैं और कितनी शालीनता से ये हमें प्यार भी करने दे रही है। देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, यहाँ पर एक ऊपर मंदिर भी है जहाँ पर भोलेनाथ की प्रतिमा लगी हुई है। तो गाइस, ये देखिए कितनी, ये देखिए भोली भाली गाय है जिनको ये भी नहीं पता कि मोबाइल है या, लेकिन उसको मोबाइल को भी खाने की चाह में जो है ये हमें, ये देखिए गाइस, बहुत ही प्यारी गाय है, बहुत ही प्यारी गाय है। ये देखिए गाइस, ये देखिए, ये देखिए गाइस, ये कह रही है कि पहले कुछ खिला तो दो। और गाय को नमक इसलिए दिया जाता है यहाँ पर कि गाय का पेट जो है वो साफ रहे। ये देखिए गाइस, ये नंदी महाराज जो है हमें छूने के लिए यहाँ पर आ गए हैं कि हमें भी प्यार करिए, हमें भी प्यार करिए। नंदी महाराज की जय हो, जय नंदी बाबा। ये देखिए गाइस, क्या है, मुझे तो बड़ा सुकून मिलता है इन गायों के बीच में आकर, इनके साथ में प्यार करने को और इनके साथ में इनकी सेवा करने का मौका जब मिलता है ना, तो गाइस उन उस वाक्या का शब्दों में वर्णन करना बड़ा ही मुश्किल तो नहीं लेकिन नामुमकिन जैसा होता है। क्योंकि ये देखिए गाइस, ये हम इस पक्षी की बात कर रहे थे, देखिए कितनी शालीनता से, देखिए ये यहाँ पर बैठा हुआ है और वो उड़ गया है। और ये देखिए गाइस, मैं तो यहीं ऐसे लगता है कि यहीं पर बस बैठ जाऊं और पूरे दिन गायों को इस तरह से जो है कुल्लार दुलार करता रहूं, क्योंकि इनको सेवा करने का सौभाग्य उन्हीं को प्राप्त होता है जो कृष्ण के भक्त होते हैं या विष्णु भगवान के भक्त होते हैं। कामधेनु गाय का ये हर गाय जो है वो कामधेनु गाय है, देसी गाय। ऐसी गायों के साथ बैठना और उन्हें लाड़ प्यार दुलार करना, जिस तरह एक माँ अपने बच्चों को हमेशा लाड़ दुलार करती है, उसी तरह यह भी अपने, हम सब इनके बच्चे ही हैं। इनमें ब्रह्मा विष्णु महेश
यमराज यम सबका वास इनका यम होता है। तो गाइस 34 कोटि देवी देवता है, मतलब 34 करोड़ देवी देवताओं का वास इस एक छोटे से जानवर के अंदर। ये देखिए, ये हमें प्यार करने के लिए भी मना कर रही है क्योंकि अभी इन्हें लगी है भूख। और कहावत है कि शीर्णा नरा निष्करुणा भवंति, मतलब भूखा मनुष्य जो है वो करुणा रहित होता है। तो ये तो माता है, तो आपको हमने समस्त जानकारी दी कि गायों को भोजन क्यों कराना चाहिए। गाय किसी भी, इसलिए हिंदू धर्म में गायों की माता की सर्वमान पूजा होती है। ये देखिए गाय कितनी प्यार से जो है हमें प्यार करने दे रही है ये माता। ये देखिए गाइस, यहाँ पे सारे जो है वो नंदी हैं, ये जेंट्स का बाड़ा है। और ये देखिए कितने प्यार से हमें कह रहा है कि अरे भैया हमें भी प्यार करो, हमें भी प्यार करो। ये देखिए तो गाइस, आप भी यदि इच्छुक हैं गौ माता को चारा डालने के लिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये देखिए, ये इसका नाम है गंगा, ये गंगा है, बहुत ही प्यारी गाय है। इसकी आंखें आप देखोगे ना तो फॉरनर जैसी, मतलब नीली आंखें जो है इसकी गंगा की है। और ये फॉरन ब्रीड जैसी गाय लगती है। तो गाइस वक्त हो चला अब यहाँ से निकलने का, तो अभी यहाँ से निकलते हैं और अब चलेंगे ऑफिस के लिए। तो क्योंकि आज का बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया है, जिनके साथ मुझे करना था उनके साथ में मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बोलिएगा कमेंट में हैप्पी बर्थडे टू मी। थैंक यू।